आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब जारी है। आज गुरदासपुर पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मुफ्त भी देंगे, बिजली मुफ्त भी देंगे और 24 घंटे भी देंगे। अभी बिजली के पावर कट लगते हैं, लगते नहीं लगते, 7-7, 8-8 घंटे के दिल्ली में पावर कट लगते थे पहले। पूरी पूरी रात बिजली नहीं आया करती थी, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है, मुफ्त में बिजली आती है। पंजाब में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो जैसे दिल्ली में करके आए हैं ऐसे पंजाब में भी करेंगे, हमें करना आता है। आज मैंने अभी थोड़े दिन पहले ऐलान करा, मैंने कहा कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को, हर बेटी को, हर बहन को, हर माँ को हम 1000-1000 रुपए हर महीने देंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं तो तीनों को 1000-1000 मिलेंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं, एक माँ है, एक बीवी है, तो पांचों को 1000-1000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये मेरे को बहुत गालियां दे रहे हैं जब से मैंने ऐलान करा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? एक बार फिर से हाथ खड़े कर दो, देना चाहिए। आदमी भी हाथ खड़े कर दो, देने चाहिए आपके घर के महिलाओं को, नहीं देने चाहिए? मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा? ये इतनी गालियां कट रहे हैं मेरे को, इतनी गालियां कर, मैंने सोचा कुछ गलत कर रहा हूं, मैंने कुछ गलत कर दिया। मैं चाहता हूं अगर कुछ महिलाएं बता दें कि अगर उनको 1000 रुपए मिलेंगे तो वो क्या करेंगी उस 1000 रुपए। माइक है यहां पे किसी के पास? आप 1000 रुपए अगर आपको मिलेंगे आप क्या करोगे 1000 रुपए से? ये मेरे को बोले, जब से मैंने बोला, मैंने कहा मैं 1000 रुपए दूंगा, चन्नी साहब बोले ये केजरीवाल काला है, ये उल्टी सीधी बातें करता है। मैं काला हूं, मैं मानता हूं मैं काला हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां जितनी मेरी मां बैठी हैं, मैं सारी माओं से पूछना चाहता हूं, आपको काला बेटा पसंद है नहीं पसंद केजरीवाल? पसंद है, फिर ठीक है। मैं यहां मेरी बहनें बैठी हैं, आपको काला भाई पसंद है नहीं पसंद? पसंद है। चन्नी साहब देख लें, मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिलवाला हूं। मेरी नीयत साफ है, मैं काला हूं, मेरी नीयत साफ है। फिर चन्नी साहब बोले केजरीवाल के कपड़े इतने खराब हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है। मेरे कपड़े जैसे हैं ठीक हैं, लेकिन जिस दिन 1000-1000 रुपए मिलने के बाद ये मेरी सारी माँ बहनें अपने लिए सूट खरीद के लाएंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले जब आपको 1000 रुपए मिले, मेरी विनती है, सारे जने अपने अपने लिए एक नया सूट खरीद के लाना और चन्नी साहब को कहना हमारे काले भाई ने दिलवाया एक नया सूट हम लोगों को। आज मुझे बड़ी खुशी है, सराय खास गांव से ये महिलाओं के लिए जो 1000-1000 रुपए हम दे रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। तो जिस महिला, जो महिला कहेगी मुझे 1000 रुपए चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सरकार बनने के बाद उन सब महिलाओं को 1000-1000 रुपए दिया जाएगा। जैसा भी भगवंत मान ने कहा, ये कैप्टन का कार्ड नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। कैप्टन का कार्ड मत समझना, जो पिछली बार उन्होंने रोजगार कार्ड दिया था। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं मैं सोच समझ के कहता हूं, लेकिन जो कहता हूं मैं करता हूं। तो सारी आज यहां से शुरू हो रहा है, पूरे पंजाब में हर पिंड में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर वार्ड में रजिस्ट्रेशन चालू होगा। अगले कुछ दिन के अंदर हम घर घर भी जाएंगे, हर घर के अंदर जाएंगे। वो बोलना चाह हम वो बताना चाह रही है कि 1000 रुपए मिलेंगे तो क्या करेंगे। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ और बहुत तमन्ना थी कि आपको मिलूं, आज वो टाइम आ गया, मोस्ट वेलकम। और सर, चन्नी सर कह रहे हैं 1000 रुपया लेके महिलाएं भिखारी बन रही हैं। सर, ये लोग करोड़ों रुपए इतना कुछ खा गए, जो भिखारी नहीं बने तो हम लेडीज कैसे बन गई? सर, जे आज हम लेडीज दिखाएंगी के आज पंजाब में केजरीवाल की सरकार आएगी और लेडीज ये लेके आएगी।
कोई बोलना चाहते हैं? चन्नी साहब ये भी कह रहे हैं हजार हजार रुपए दे दिए तो काम चोर हो जाएंगी औरतें, काम नहीं करेंगी औरतें। सत श्री अकाल श्री केजरीवाल जी, मैं थोड़ी बहुत बड़ी फैन हाँ, अज बहुत ही देर बाद तुहानू मिलन का मौका मिलिया, थैंक यू सो मच, अज तुहाडे दर्शन होए सानू। ते मैं तुहानू ये कहना चाहनी हाँ कि तुहाडे जिन्नियां भी गरंटीज आंदियां, हर गरंटी ते पंजाब सरकार की कोई ना कोई प्रतिक्रिया हुंदी ही हुंदी है। ये सारे बौखला जाते हैं कि केजरीवाल इतने की भूचाल मचा के चला गया। तो मैं तुहानू ये कहना चाहनी कि जिहड़ी हजार रुपए अकाउंट विच पाउण वाली तुसी गरंटी दित्ती है, उस ते भी एक प्रतिक्रिया आई है। वो प्रतिक्रिया ये है कि वह कह रहे हैं कि पंजाब दियां औरतां हजार रुपए दे नाल चाहता है। चलो बहुत अच्छा, बहुत चंगा जी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टीवी चैनल वाले महिलाओं की आवाज चन्नी साहब तक पहुंचा देंगे। हमारे पंजाब की महिलाएं बहुत मेहनती हैं। पंजाब की क्या, हमारे देश की महिलाएं बहुत मेहनती हैं, घर पूरा संभालती हैं। बहुत सारी महिलाएं बाहर भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, कई महिलाएं दफ्तरों में भी जाती हैं। हमारी बेटियां जो हैं इतनी मन लगा के पढ़ती हैं, घर का काम भी करती हैं, और ये कहती हैं कि हजार हजार रुपए देने से हमारी महिलाएं कामचोर हो जाएंगी। तुमने हजारों करोड़ों अरबों रुपए डकार लिए, तुम आलसी नहीं हुए? आलसी होकर घर नहीं बैठे, अभी और डकार रहे हैं, और डकार रहे हैं, और डकार रहे हैं। हमारी महिलाएं हजार रुपए लेने से आलसी कैसे हो जाएंगी? तो आप चिंता मत करो, आज से पूरे पंजाब के अंदर रजिस्ट्रेशन चालू है। मैं पूरे पंजाब की महिलाओं से विनती करना चाहता हूं, उनके इलाके में हमारे कार्यकर्ता आएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं, घर घर भी जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सब लोग, जिन जिन लोगों को हजार हजार रुपए जो चाहते हैं कि उनको मिले, उन सब, वो सब लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।